नमस्कार दुर्गम ओडिशा को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे अवहेलित कटक सांसद भर्तरी महताब पोष्य गाँ विकास बहु दूर से कटक चौद्वार मंगराजपुर बछियांबा गाँ को नहीं रास्ता पानी जल स्वास्थ्य शिक्षा और परिबल कथा न कहिले भल केबे सरिब बौद्ध मर्जाकु सेतु अवधि सरिलानी हेले सरुनी काम सेबडे छ वर्ष परे भी संपूर्ण होई पानी धळपुर आठमलिक सेतु पोल काम शेष न हेबारु देसी काठ डंगा भरसारे 3000 लोक अपहंच इलाक स्वास्थ्य सेवार नग्न चित्र गाँ को रास्ता नथिबारु पहुंची पानी आंबुलांस अकाल चली जाउछि जीवन सुंदरगढ़ तिलडेगा पंचायत देखा रिपोर्ट उपांत इलाकार विकास खर्च होउछि कोटी कोटी टंका हेले सोरडा ब्लॉक दुलबंध गाँव पड़िनी विकास पादचिन्ह शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन पानी जल सबकिछि एठी अपहंच वर्ष वर्ष धरी अभिशप्त जीवन बिताउछन्ति गाँ लोके सारा ओडिशा रे वर्षा विस्पात दुई दिन लघुचाप वर्षा रे बेहाल स्थिति केउठी भांगिला घर आउ केउठी कांथ भुसुड़ी गला जीवन घरे पसला पानी अस्तव्यस्त जनजीवन अपहंच इलाका रे स्वास्थ्य सेवार नग्न चित्र मासे भितरे दुई जन गर्भवती पाखरे पहुंची पाला नहीं आंबुलांस गाँ को रास्ता नथिबारु एपरी समस्या भोगुछन्ति लोके सुंदरगढ़ जिला बालिसंकरा ब्लॉक तिलडेगा पंचायत आसी एपरी अभियोग रास्ता पई जिलापालों द्वारस्थ होती ग्रामवासी अपहंच इलाकारे नाही रास्तार सुविधा गाँ को आसी पारुनी आंबुलांस अकाल चली जाउछि जीवन ए हेउछि सुंदरगढ़ जिला बालिशंकरा ब्लॉक तिलडेगा पंचायत गत मासकरे आंबुलांस सेवा अभावरु दुईटी हृदय विदारक घटना घटी एठि गाँ को रास्ता नथिबारु गर्भवती रायबारी ओराम को पाखरे पहुंची पारि नथिला आंबुलांस घरे ही प्रसव कराइथिले रायबारी आउ एक मृत शिशुपुत्र को जन्म देइथिले सेपरि ब्राह्मणमरा गाँव महिला क्रेसेन्सिया प्रसव जंत्रणा छटपट होउथिले मध्ये डाक्तरखाना नेबा ठीक समय आंबुलांस पहुंची नथिला बाध्य होई महिला ओ तांको नवजातक को खटरे टेकी टेकी आंबुलांस पाखकु नेइथिले गाँ लोके गाँ को रास्ता नथिबारु एपरि समस्या भोगुछन्ति ग्रामवासी गाड़ी ठीक हेला परे आमर गाँ को आसु आसु रास्ता खराब रास्ता रे एयाले वर्षा होइथिला गाड़ी स्लिप होइ जाउछि घर पाखु आसी नै पारला गाड़ी आउ से जगार जिते बेले गर्भवती मार पेंटा अत्यधिक हो जीवार से घरे ही प्रसव हो गले आते बेले से प्रसव हेला परे आंबुलांस पहुँचला पहुँचला तो किन घर पाक गाड़ी नहीं पहुँचला हमर रास्ता रा ठीक नहीं तो गाड़ी पसी पारलानी दे आशा दीदी के फोन करलु तो आशा दीदी एम्बुलेंस के फोन करले जे तो लेट थिया हेला तो हमर घर लोक मैंने नेले मते खटियारे नेले आउ बुही नेले आउ बाटे का मुई भल हई गली तो एम्बुलेंस गाड़ी पहुँचवार के भल हई गली आज्ञा आउ छुआटा खराब हो गला गाड़ी एम्बुलेंस तो पहुँची पार्ला नहीं से खटरे आम बोही चार जन बोही की गाड़ी पाक को पहुँचेलु एक किलोमीटर हाराहारी हम आउ से दिन वर्षा भी होता रास्ता भी बहुत खराब से आमे ताको खटरे बोई की नहीं पहुँचेलु गाड़ी पाक को गाँ को रास्ता गर्भवती को ममता योजना मागणा आंबुलांस सेवा भली अनेक योजना करिछंति राज्य सरकार मात्र अनेक समय रे उपांत इलाकार लोके एसबु योजना रु वंचित होउथिबा अभिजोग होईछि जहार ज्वलंत उदाहरण देखिबा को मिलिछि एही पंचायत रे एने आमे जिल्लापालंको भेटी समस्या संपर्क रे जणाइबा परे से कहिछंती जिल्लारे रहितबा प्राय समस्त रास्तार निर्माण सरिछि तबे किभली एही रास्ता अटक रहिछि से संपर्क रे से निजे देखिबे आई विल लुक इनटू द इशू काहे कि सेटा हला नै बट अदरवाइज देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स की टू एंड फ्रो द हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ नो अमर मेजर इश्यूज कोट भी नथिला बट इन केस जदी बाय चांस ट्रैफिक हिसाब रे जाम हला किंबा कछि रास्ता कंस्ट्रक्शन होउछि बोली जदि खबर आसुचे आम एनश्योर करूँ सेटा को आम के रेक्टिफाई करवा दाबी पत्र देवार लगे आसलूँ जेनता आमर प्रस्ताव महिला मान लगे सरकार सुविधा कर दौछे मैंने किसी असुविधा नहीं है कोई की लेकिन देखबार के गले मैंने सुविधा कहार लगी करुचे आम जानी नहीं पार्बार आम सरकार को अनुरोध करुँ
लेकिन सबु जगह रे सबु गली गली सबु जंगल पहाड़ सबु ने माने रोड रहले सुविधा करा जाओ आउ एम्बुलेंस रहले सुविधा करा जाओ जेंता के आगामी दिन रे अमर जेंता असुविधा होछे सेटा हेई नि पारता ले भल होता को जिल्ला रे जिल्ला खनिज पाठे सहायता रे अनेक लोकाभिमुखी योजना कार्यकारी हेउछि हेले रास्ता रो दुरावस्था जोगु गां को आसी परनी एम्बुलेंस आउ अकाल रे चली जाउछि जीवन सुंदरगढ़ रो कैमरामैन उपेंद्र महाराणा को सह सागर पटनायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कटक रो दुर्गम इलाका आमे आज आपंक एक गाँ कथा कहवाक जाऊँ जहाँ मुख्य रास्तु मात्र 12 किलोमीटर दूर रास्ता शिक्षा स्वास्थ्य सेवा ठार अनेक दूर रही गाँ ए गाँ शासक दल जड़े सांसद पोष्य गाँ जड़े पावरफुल विधायक और मंत्री निर्वाचन मंडल रही कि केमी अच्छा से गाँव लोके देखते रिपोर्ट पहाड़ गछलता घेर प्रकृतिर निकटरे किंतु विकासठ दूररे कटक चौद्वार मंगराजपुर बंझी आंब गाँ मुख्य रास्तार मात्र 13 किलोमीटर दूर किंतु सबु सुविधार अनेक दूर रे चलतु आज आम आपको देखू राज्य में आज भी एमती इलाका अच्छी जोटी राज्य सरकार मौलिक सुविधा जोगेबारे विफल होती गाँ को जीवा रास्ता आपण को प्रकृतिर सुंदरता तो देख कि आज समय अनुसार सुविधा ग्रामवासी बड़ दामी क्या सफल ए पुणी कटक सांसद भर्तुहरी महताब पोष्य गाँ समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं आठगड़ निर्वाचन मंडल रही गाँव में अव्यवस्थार तालिका लंबा गाँ को रास्ता खंडे ना आहाक रास्ता कहु तार चित्र भी आप देखु पानी जल स्वास्थ्य शिक्षा और परिम कथा तो न कह 35 अधिक परिवार को जीवन किसी एभं कटुची अज्ञा 14-15 वर्ष रही तो पानी सुविधा ना कि खाया पीया सुविधा ना कि रास्ता घाट सुविधा ना तापर आई घर उठे 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 मड़ाण देते से मड़ाण भी रहीगले आोट बेले भोट ना आज कुंड कर निजर भाई आउ कौन आोट बेला गला आ कि कार पचार हाँ दौचे बाबू दौर घर से सरकार सुविधा बहुत सुविधा वंचित होती सेठिकार पाने शिक्षा पापार ना जेहेतु छोट गाँ से स्कूल तैयारी करा भी संभव हो पारना अनेक सरकार प्रतिश्रुति दि जाऊँगी से गाँ को खुचला नुआ गाँ कि रामचंद्रपुर बेरणाडे स्थानातरित करपर्त पदक्षेप नि गाँव में अंगनवाड़ी केन्द्र ना स्कूल रास्ता भी दूर शिक्षार दूर से ए अंचल पिला रास्ता नथिबारु रोगरे पड़िले 5 किलोमीटर भारत भुआ हुई आग को समस्या कथा कह आगर आपण को राज्य सरकार को स्लोगान कह चाहिए माँ को सम्मान गाँ को काम और समस्त मुंड उपरे पक्का घर किंतु एठे थिबा 35 अधिक परिवार भितर कहा भाग्य भी पक्का घर ना स्वच्छ भारत योजना एटी कार्यक्षम हो पीवा पानी गोटे नलकूप ही भरसा सेपटे अव्यवस्था को नहीं टांगी चौदार ब्लॉक वीडियो विनोद सेनापति सफे समस्त को अन्यत्र रही व्यवस्था कर तो उठेद व्यवस्था करा आपणकर से जो बंध एपटे से कचिला नुआ गाँव सर सफा सरकारी जगह ठीक कराई सीटे प्रोसेसिंग अच्छी घर सुविधा सब सुविधा मिल जाए ए गाँव तो आम पूर्व पुरुष मूल रही आस गाँव कौन सुविधा ना स्कूल ना स्कूल ना छुआ पढ़ापी अंगनवाड़ी ना बहुत असुविधा होमर ये मेडिकल जावाई भी बहुत असुविधा हो दुकान हाट बजार हाट जावाई बहुत असुविधा पीवा पानी गाधवा पानी सब असुविधा ना ये अच्छी रास्ता ना एमानक मिलुची कौनसी सरकारी सुविधा खाली आगामी दिन में देखा बाकी रहा सरकार केबे अंक उपर दृष्टि एवं समस्त सरकारी सुविधा जोगाई देउछंती कटक जिला चौद्वार बांझियामारु अजित कुमार स्वाई अर्गस न्यूज। केबे सरीबो बौद्ध मर्जाकु सेतु अवधि सरलाणी हेले सरुनी काम अन्यपटे 6 वर्ष पर मध्य संपूर्ण हो पानी धौलपुर आठमल्लिक सेतु फल अंचलवासी बढ़ुची असंतोष बौद्ध जिलार देखिबा ए रिपोर्ट। निर्माण हेला 2-2 ब्रिज हेले लोके जेउ दुर्दशा को सही दुर्दशा अवधि सरलाणी
ହେଲେ ସରୁନି ବହୁତ ମାର୍ଜାକୁଦ ସେତୁ କାମ। ଛ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସରିଲାନି ଧଳପୁର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସେତୁ ତିଆରି। ବିପଦକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ଯା ଆସ, ଡଙ୍ଗା ଭରସାରେ 3000 ଲୋକେ। ବୌଦ୍ଧ ସହର ଏନ୍ଏସିର 13 ଓ 14 ୱାର୍ଡରେ ରହିଛି ମାର୍ଜାକୁଦ ଦ୍ୱୀପ, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ 6 ମାସ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଏହି ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଦେଶୀ କାଠ ଡଙ୍ଗା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଧନଜୀବନ ଯାଇଛି। ବହୁ ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ 2018 ମସିହାରେ ବୌଦ୍ଧ ମାର୍ଜାକୁଦ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ହୋଇଥିବା ଏହି ସେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅବଧି 2022କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଡଙ୍ଗାରେ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା, ଗମନାଗମନ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ପଡ଼ିକି ଅଛୁ ତାଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା କେବେ ସରିବ କେହି ଜାଣେ। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ର ସୁବିଧା କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର ତାଲ। ଆର୍ ଯିବା ଆସିବାର ଲାଗି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍, ଆର୍ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ହେଉଛେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଯିବା ଆସିବାରଟା। ବିପଦ ତ ପୁରୀକିରି ରହିଛେ, ପୁରୀଛେ ବଢ଼ି ଆସିଲେ ସେ ଡଙ୍ଗାର ଉପରେ ନ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ସେ ବିପଦକେ ସବୁବେଳେ ହାତମୁଠାରେ ଧରିକରି ଯିବା ଆସିବାର ହେଉଛେ। ସେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଧଳପୁର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସେତୁ 2015 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 3 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏହି ସେତୁକୁ 168 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। 2020 ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଧଳପୁର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସେତୁ ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଦୂରତା କମିଯିବ। ହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି କାମ ସରିବାର ନା ଧରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ନେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦାବି ପରେ ସରକାର ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2021 ମସିହାରେ ବ୍ରିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି, ତାହା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ନାହିଁ ଆଶା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାର କାଳକ୍ରମେ ତାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା କାମ ବୋଧେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତେଣୁକରି କାମ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ସେ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଡଙ୍ଗା ଘାଟ ଡଙ୍ଗାର କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛୁ। ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ନିରାପଦରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ? କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ୁନି କି ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ? ଆଉ କେତେ ହୀନସ୍ଥା ହେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? କେବେ ସରିବ ବ୍ରିଜ୍ କାମ, ଆଉ କେବେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଲୋକେ? ଏବେ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ। 2 ଦିନର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବର୍ଷାରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଅନେକ ଗାଁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଜନଜୀବନ।
ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही जयपुर प्रतिनिधि मनोज दास रही मनोज जयपुर स्थिति कौन कारण जहाँ आम देखा पाइले कि अनेक मानने प्रबल वर्षा जो होनेक अंचल जलार्णव भी हो तो जयपुर केते अंचल बर्तमान जलार्णव होते मिलीमिटर वर्षा बर्तमान सुधा रेकर्ड कराई अन्यतो निलम देखंतु आमे जदि अभिभुक्त कोरापुट जिला कथा जदि कहिबा तो जो आमर रहिछि नवरंगपुर रो जो इंद्रावती नदी रही इंद्रावती नदी अंचल अनेक लोक एवं प्रभावित होती कहीं लोक गमनागम सुविधा नहीं गोटे ब्रिज रही तो जो ब्रिजटा बर्तमान सुधा भंगा दधराई पड़ी जो ब्रिज को इंद्रावती धरिकी जो तलिया अंचल रही जिते भी ग्राम अंचल रही अंचल बर्तमान बनिया जल बर्तमान से गाँ भर को पशिच अनेक जगार हुए तो लोक बर्तमान सुधा किसी क्षयति होनी कि जो विगत सप्ताह है धरिकी लगातार वर्षा रही अभिभुक्त कोरापुट जिले में आदि आगामी दिन में भी वर्षा यह लगातार जारी रहे तो निहाती भाव में जो तलिया अंचल लोक रही बनार प्रभावित हो बर्तमान सुधा से सरकार तरफ कौन प्रकार बन्या आश्रयस्थल बर्तमान सुधा कराए बर्तमान प्रशासनिक अधिकारी से अंचल को ग्रस्त कर संपूर्ण भाव में तदारख करना कि कौ कौ अंचल वास्तव में प्रभावित हे कहीं जो आम नवरंगपुर कथ कह जो आम रही इंद्रामती रही जो भास्कल भास्कल नदी रही जो कसागुमुड़ा अंचल रही तो निहाती भाव में प्रत्येक वर्ष 5000 लोक ए बन्या जल रे प्रभावित होइथांती आ सेमानकु स्थानांतरित करबा पे कोनोसी वर्तमान सुद्ध सुविधा करा जाय माने वर्तमान वर्षा होछि ना वर्षा टिके थमी छि जो रेट रे वर्षा हेउतला से परिमाण रे वर्षा कमी छि ना वर्षा सेही अनुपात रे हेउछि देखंतु जदि आमे वर्षार जदि अनुपात कथा कहिबा तो विगत सप्ताह भितर लगातार वर्षा जारी रहिछ वर्तमान आज जदि कथा कहिबा 101 मिलीमीटर वर्षा को रेकर्ड करा जायछि वर्तमान जो अभिभुक्त कोरापुट कथा जदि कहिबा आ वर्तमान सुधा लगातार वर्षा रहिछि कंटिन्यू लगातार 7 दिन रहिछि जा फलर कि तलिया अंचल लोके अनेक असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ती एपो जहां प्रति सूचना देछन्ती कि आज 101 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराइछि अभिभुक्त कोरापुट जिला धन्यवाद मनोज इरेटलाम प्रतिनिधि मनोज आदिवासी अंचल रे अपहंच सरकारी योजना कोरापुट जिलार नंदपुर ब्लक रो अनेक अंचल रे एबे भी पहुंचिनी सरकारी योजना एने स्थानीय लोकों सहित आलोचना करछन्ते हम नंदपुर प्रतिनिधि हरेश खिलार स्वाधीनतार 75तम बीतीगला किंतु आज मध्य अभिभक्त कोरापुट जिला नंदपुर ब्लक रो एमिति किछ गाँव अछि जेउ जगार आज मध्य मौलिक सुविधार वंचित अछन्ति लोके आमे सीधा सडक आपण मानकु सामना करिबु लोकमाने कोण कहउछन्ती स्वाधीनतार 75तम वर्ष बीतीगलाणी किंतु आज मध्य कोण कोण सुविधा पाउ पारुछन्ती लोके ताने के आलोचना करबा भाई आपन ना कोण रामदास पांगे आपन गार रे कोण कोण सुविधा रहिछे किछि सुविधा नाही हम गार रे आमे पूरा गरीब परिवार ए गार रे चलंती मात्र कोण आवास योजना भी आम पाखरे पहुँचि पारु नाही पानी रो सुविधा नहीं नदी घाट पाई रास्ता भी नहीं आउ नंदपुर जीवा पाई हमको रास्ता भी खंडे ठीक रे नहीं पूरा खराब हो रही आपण ए नहीं कर प्रशासन पाखरे केबे आपणकर अभियोग को जणाई थिले कि लिखित नहीं मात्र जाय मिसुचु विडियो को सहित पीओ को सहित सरपंच को सहित मिसुचु मात्र के दृष्टिपात करू ना जहा भाई आम सहित आलोचना करते जो गाँवटा हूँ अभिभक्त कोरापुट जिला नंदपुर ब्लक ब्लक ऑफिस रु मात्र 2 किलोमीटर दूर गाँ जो गाँ ना हूँ पड़ालपुट जहाँकि आज मध्य से गाँव में कौन सी सरकारी सुविधा पहुँची पार ना जहाँ भाई कहते से गाँव में आज पर्यंत उन्नत मान रास्ता पहुँची पारे से सहित आम सीधा सड़क आलोचना करवा माँ जो आम निकट उपस्थित अच्छा माँ आप ना कौन ललिता अच्छा आपण गाँव कौन कौन सुविधा रही माँ किसी सुविधा नहीं बाबू रास्ता सुविधा नहीं पानी सुविधा नहीं किसी सुविधा नहीं आम गाँव घर गोटे मिसा मिली ना इंद्रावास घर गाँ गाँ को 25-30 घर जाए तो पड़ालपुटे एत गरीब लोक तो घर भी मिली ना गोटे सब असुविधा आम गाँव में ब्लक पाखे अच्छे रास्ता ना पा ना बोरींग गोटे अच्छी खराब केते टाइम मारले आगे गोटे हाँ पा बाहर सेटा मिसा गेंदिया पा गोला पा बाहर गोटे बोरींग ठीक अच्छे गोटे बोरींग 40 घर लोक पा पीछे आउ ये तो बहुत गरीब लोक अच्छा आ पा पीवाक तो बहुत असुविधा आम गाँव में आउ पापी बोली आमको गोटे बोरींग बहुत सुविधा होता आउ कतरा घर खोलनी घर वर्षक जदि
କେତେଟା ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେତେଟା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପେନସିଲ୍ କେତେଟା ମିଳିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ଯେଉଁ କେନାଲର ପାଣି ଯେଉଁ ଯାଉନାହିଁ ସେ ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଯଦି ପଦା ଯଦି ଆମର ସେ ଚାଷବାସରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛୁ ସେଇଟା ବି କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତାକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ କୁମାର ଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ହାଇସ୍କୁଲ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର 8 ବର୍ଷ ବିତିଛି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜଡ଼ା ହୋଇପାରିନି ଭିତ୍ତିଭୂମି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଚଲାନଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲିଥିଲା ପାଠପଢ଼ା। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ 9 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ଥୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳରେ 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର 103 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ 2ଟି ଛୋଟିଆ କୋଠରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ବର୍ଷା ଗଳୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବସୁଛୁ, ଆମେ 47 ଜଣ ବସୁଛୁ, ତ 47 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଠ ବି ଆମକୁ ଦରକାର, ତ ରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବସିକି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଉ, କେତୋଟି ରୁମ୍, କାହିଁକି ବୋଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା 5 ମାସ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ଅନ୍କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଆମକୁ ଏଠି ଛାତ ଯେହେତୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ, ଆଉ ଆମେ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁ, ତା'ପରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବି ବସୁଛୁ ଆମେ, ଆମକୁ ରୁମ୍ ଦରକାର। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ 2ଟା ଅଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ 150 ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାକ ହେଇନାହିଁ, କ'ଣ କାମ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଭାବ ହେତୁ କିଛିଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।